भाई आज हम आ गए लखनऊ में और ये भी हमें 1090 स्ट्रीट के अंदर। मैं पापा ने वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी मेरे को तो बताया नहीं, फायर पान का बिजनेस खोल दिया पापा ने लगे हाथ। भुट्टा खाएगा भुट्टा कौन लेंगे भाई, देखने में तो पूरा वैसे लग रहा था इंदौर का वो था कहती कौन सी नहीं हाँ चौपाटी और वो कौन सी जगह रात। हाय एवरीवन, माय नेम इज सुमित महाजन एंड आई एम सेलिंग होममेड मोमोज हेयर इन चटोरी गली 1090 लखनऊ गोमती नगर। यू विल फाइंड मी हेयर फ्रॉम 12:30 इन द आफ्टरनून टिल 5 और मे बी 5:30 इन द इवनिंग बट नॉट बियॉन्ड 5:30। आई एम सेलिंग होममेड मोमोज and the best part about these momos, if I talk about, we are making these momos at home and while making them we are making sure that the outer layering of the momos, I'm talking about flour, maida, that is very thin, and the moment you will eat momos you will automatically come to know the taste of ingredients and the fillings inside. So do visit Chatori Gali 1090 Gomti Nagar Lucknow and you will meet me here and eat momos and you will find me under the banner Mad About Momos. Thank you so much. ये हमारे मोमोज बन के तैयार हो गए हैं और 100 रुपये पर प्लेट का इसका प्राइस है। सिर्फ वेज मोमोज मिलेंगे यहाँ पे, तो एक बार चेक करते हैं। जैसा भैया बोल रहे थे इंग्लिश में, काफ़ी सारी चीज़ें बोल गए, समझ तो थोड़ा बहुत ही आया थे, अच्छी इंग्लिश तो है नहीं हमारी भी, तो एक बार से तोड़ के देखते हैं। वो तो कहते हैं मैदे की लेयर बहुत पतली है, तो लेट्स चेक इट आउट। ये अंदर ही फिलिंग है, इसके अंदर पत्ता गोभी और सोया का डाल रखा है, तो मैं टेस्ट करके देखते हैं। भाई ये मोमोज मैंने भी ट्राई करी, देख सकते हो यार, फिलिंग इसके अंदर पत्ता गोभी और सोया एक साथ डाल रखा है, मतलब जैसा वो सर बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा मतलब टेस्ट होगा, तो मुझे तो बहुत एवरेज लगा, मतलब बिलो एवरेज कह सकते हो। और ये हमारी फर्स्ट डिश है जो हमने 1090 में ट्राई करी और पहला एक्सपीरियंस थोड़ा काफ़ी ख़राब हो गया, थोड़ा तो नहीं काफ़ी ख़राब हो गया, मतलब यार मेरे को तो लगा नहीं कि मोमोज मतलब वर्थ हैं 100 रुपये पर प्लेट के। और यहाँ चटनी थोड़ी स्पाइसी है और सिर्फ एक ही वैरायटी के मोमोज हैं इनके पास, वो है सिर्फ वेज, तो बाकी आप ट्राई करके देख सकते हो, सबका टेस्ट अलग होता है। मेरे को तो बहुत ओके ओके लगे, बाकी मैं दिल्ली से भी हूँ तो मेरी आदत है अच्छे मोमोज खाने की, हमारे वहाँ तो बढ़िया मिलते ही रहते हैं। तो बाकी देखो भाई 10 पीस आपको मिल जाएंगे, मोमोज का साइज़ भी ठीक ठाक सा है। ये देखो ये पूरी फिलिंग आपके अंदर दिख जाएगी। तो भाई 100 रुपये पर प्लेट बिल्कुल वर्थ नहीं है इसका प्राइस अराउंड, मतलब मेरे हिसाब से 40-50 रुपये तो फिर भी ठीक है। चलो अगर देखते हैं आगे और क्या मिलता है हमें। ठीक है भाई, आटा का पेस्ट है, आटे का ही है। हाँ भाई, इसमें रवा बेसन मैदा सब मिक्स है। तो अभी कौन सा डोसा बना रहे हो आप हमारे लिए? सर ये पाव भाजी से डोसा बना रहे हैं। क्या रहता है इसका प्राइस? सर 130 रुपये सर, अमूल का बटर है। और शॉप कहाँ पे है अपनी? शॉप का सर चटोरी गली। तो लगाते कितने बजे हुए आप? 3 से 4 बजे तक लग जाता है। ये सर आलू का मसाला है, ये सर टमाटर पड़ गया, ये सर प्याज पड़ गया है, ये हरी धनिया सब पड़ गई है, इसमें सर भाजी है। भाजी निकाला बस चलाना। ये सर भाजी डील दी इसके ऊपर है, भाजी एक और डाल दो लेने पैसे। ये सब मसाला पड़ गया है, कौन सा? सर चाट मसाला है। ये सर नमक पड़ गया है, सर ये सहजवान है। ये तैयार हो गया।
सर रेडी हो गया है डोसा। क्या रह गया बताइए? उसमें डालना मत, दो चटनी रुक जाओ। सांबर तो गाइस ये अपना अगला आइटम है और ये हम ट्राई कर रहे हैं पाव भाजी वाला डोसा, और उसके अंदर पाव भाजी डोसा दोनों मिक्स हैं, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं भाई। ये देखो, ये अभी उज्जवल फूडी ने थोड़ा सा खाया था, बाकी फीलिंग तो भाई तगड़ी लग रही है, खुशबू भी बढ़िया आ रही है, बाकी बार ट्राई करके देखते हैं हम। 130 रुपये इसका प्राइस है और आपको 10 नंबर चटोरी के लिए मिल जाएगा। भाई टेस्ट बढ़िया है, मैंने तो मतलब पाव भाजी डोसा पहली बार ही ट्राई करा, बट सही लगा हमें खाने में। भाई मोमो से तो वे बेटर है ये, मतलब कुछ यूनिक चीज़ आपको ये मिल जाएगी ट्राई करने पे। चलो आगे और देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। भाई डोसा के बाद ये हमने अभी बर्गर ट्राई करा और ये 30 रुपये का था। उज्ज्वल ने ट्राई करा ये अभी, कैसा लगा टेस्ट भाई उज्ज्वल? तोते उड़ गए, खा के बहुत तेल है भाई 30 रुपये में, और के गुप्ता जी की जान लोगे तुम। बाकी ठीक है भाई, वेजिस अच्छे कैसे डाल रखी हैं, मेकिंग शूट नहीं हो पाई इसकी, आप फेसबुक पर देख सकते हो, क्योंकि मेरे को लगा नहीं कि मतलब मेकिंग यूट्यूब पर डालने लायक है। तो बाकी ये शॉप है, ये अंकल जी आपको मिल जाएंगे, बनवा ले भाई पास्ता बनवा देते हैं। आलू काटते हैं ना तेरे लिए अलग थोड़ी, ये पेरी पेरी मसाला ये थोड़ा सा गाइस, ये उज्जवल फूडी लड़कियों को स्नैप भेजता हुआ सिंप करता हुआ 100% सिंप भाई देख रहे हो, जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हो अब सिर्फ लड़कियों को जाएगी ये स्नैप भाई, मेरे का तो आते नहीं कभी तेरी स्नैप, मैं लड़कों को स्नैप नहीं रखता चलते। कैसा लगा उज्जवल फूडी? आपने ट्राई करा? 100% recommended